नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त यश। स्वागत करता हूं एक और धमाकेदार वीडियो में दोस्तों, जहां पर मैं HCF और LCM डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों आज की वीडियो द अल्टीमेट वीडियो है। हर पॉसिबल मेथड, हर पॉसिबल शॉर्ट ट्रिक जो है वो LCM और HCF की मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की वीडियो के बाद। मेरी गारंटी है दोस्तों, आज रात के आपके सपने में HCF और LCM आने वाला है। दोस्तों एप्टीट्यूड से प्यार करो, गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है लेकिन एप्टीट्यूड कभी धोखा नहीं देगा। तो गर्लफ्रेंड से प्यार करो ना करो, एप्टीट्यूड से प्यार करो, और एप्टीट्यूड से प्यार करवाने के लिए आपके यस सर यहाँ पर है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज गेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए इस चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस तुरंत देखने के लिए। तो भैया डायरेक्टली मैं सबसे पहला मेथड बताता हूँ, 12 और 18 का आपको LCM निकालना है। सबसे पहला मेथड जो मैं आज बताने वाला हूँ वो है डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड में हमको क्या करना है, 12 और 18 को डिवाइड करते जाना है। तो पहले मैंने देखा 12 और 18 दोनों जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, कर दीजिए। यहाँ 6 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा, है ना। जब 2 से आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, अब अगेन 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है। तो पहले 2 ले लिया, 2 से 6 को डिवाइड कर दिया, 9 क्योंकि 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो एज इट इज रह जाएगा। अब 3 ले लीजिए क्योंकि दोनों नंबर 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो 1 बचेगा और 3 बचेगा। अब अगेन 3 ले लीजिए तो लास्ट में 1 और 1 बच जाएगा। जब 1 और 1 बच जाए तो रुक जाइएगा और इन सारे नंबर्स का प्रोडक्ट कर लीजिएगा। HCF आपके हाथ में आ चुका है। तो ये हो जाएगा 4 × 9 विच इज नथिंग बट 36 जो है वो HCF निकल करके आ गया। क्लियर है डिवीजन मेथड। एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, तो कुछ नहीं करना, बस डिवाइड करते जाना है। जिस नंबर से डिवाइड हो रहा है तो डिवीजन के बाद का नंबर लिख दीजिए, अगर मान लीजिए डिवाइड नहीं हो रहा तो एज इट इज लिख दीजिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 और 9 को मैंने 2 से डिवाइड किया, 6 तो डिवाइड हो गया तो 3 लिख दिया, लेकिन 9 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था तो एज इट इज डिवाइड, मतलब एज इट इज नंबर जो है वो लिख दिया। ये हो गई एक मेथड। दूसरी मेथड होती है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें आपको क्या करना है, 12 है और 18 है लिख लीजिए, 12 को आप प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो और 18 को भी प्राइम फैक्टर्स में तोड़ो, यानी प्राइम नंबर्स होने चाहिए। तो मैं 12 को पहले मैं 4 × 3 लिख देता हूँ, बिकॉज 4 × 3 = 12। अब 4 प्राइम नंबर नहीं है ना, तो उसको भी ब्रेक करो, उसको लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। कॉमन नंबर्स की टर्म को स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में लिख दो, तो 2² × 3 लिख सकते हैं 12 को। 18 को आप क्या करो, 9 × 2 लिख सकते हो 18, है ना, लेकिन हमको प्राइम फैक्टर्स में चाहिए, 9 प्राइम नहीं है तो उसको आप लिख सकते हैं 2 × 9 को लिख सकते हो 3 × 3, है ना। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 3 × 3, अगेन जो कॉमन नंबर है उनको स्क्वायर या क्यूब के टर्म्स में लिख दो 2 × 3². तो यहाँ से भैया समरी आ गई, 12 को का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2² × 3, इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स दिखेंगे। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 2 × 3². अब आपको क्या करना है, आपको देखना है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है और 3 आ रहा है, ठीक है। अब 2 पे हाईएस्ट पावर देख लो, यहाँ पे 2 पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 पे पावर 2 है, तो 2 पे हाईएस्ट पावर 2 है, 3 पे हाईएस्ट पावर देख लो, 3 पे पावर यहाँ 1 है, 3 पे यहाँ पावर 2 है, तो 3 पे हाईएस्ट पावर 3 पे हाईएस्ट पावर 2 आ रही है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 36 जो है वो आंसर निकल करके आ गया दोस्तों। अगेन LCM आ गया। क्लियर है बात, कोई दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं। एक और मेथड देख लेते हैं, जो हमने शॉर्ट ट्रिक पढ़ी थी 12 और 18 है, ठीक है। तो LCM निकालना है तो बड़े नंबर को आप रेफरेंस मान लीजिए, बड़े नंबर को मैंने रेफरेंस मान लिया 18। अब 12 की टेबल में तो 18 आता नहीं, तो 18 के मल्टीपल्स लिख लीजिए 18, 36, 54। तो 18 तो हमने देख लिया 12 की टेबल में नहीं आता, तो नियरेस्ट मल्टीपल 18 के बाद वो है 36। अब 36 क्योंकि 12 की टेबल में आते हैं तो देखिए 36 आ गया। ये शॉर्ट ट्रिक की पावर है, कितनी जल्दी आंसर निकल के आ गया, ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये मेथड भी समझना है क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो शॉर्ट ट्रिक से जल्दी कन्वेंशनल मेथड पे सॉल्व हो जाएंगे, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। अभी भी दिक्कत आ रही है क्या, कुछ और छोटा कर दूं क्या? देखिए 12 और 18 है, अब मैं क्या करूंगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को रिड्यूस करूंगा। ये दोनों नंबर्स मेरे को क्लियर कट दिख रहे हैं कि दोनों नंबर्स जो है वो 3 से डिवाइड हो जाएंगे। तो 12 को जब पहले मैंने क्या किया, डिवाइड किया 3 से, है ना, 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4 बचा, 18 को 3 से डिवाइड किया तो 6 बचा। अब अगेन दिख रहा है मेरे को कि दोनों नंबर जो है वो 2 से डिवाइड हो रहे हैं, बचे क्या, यहाँ पर 2 बचेगा और 3 बचेगा जब 2 से डिवाइड कर देंगे। अब आपको एक चीज याद रखना है, जब भी प्राइम नंबर्स आए, ये मैं बता चुका हूँ, 2 और 3 जो है वो प्राइम नंबर्स हैं, तो प्राइम नंबर की LCM जो है वो उनका प्रोडक्ट होता है। तो 2 और 3 की LCM निकाल लीजिए, 2 और 3 की LCM आ जाएगी 6 × 2 × 3, ठीक है। अब ये 2 और 3 की LCM है वो आ रही है 6, आपको ओरिजिनली निकालना है, तो ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 6 आ रहा है, तो मैं ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे पहुंचूंगा, 2 से डिवाइड किया है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 3 से डिवाइड किया है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6 × 2 × 3 जो है
वो हमारा एलसीएम आ गया, यानी 12 × 3 अगेन 36 जो है वो एलसीएम निकल करके आ गया। देखिए एक और तरीका आपके सामने आ गया दोस्तों। अभी भी एक और मेथड है जिसमें हम कोप्राइम नंबर की हेल्प से एलसीएम निकालने वाले हैं। उस मेथड के बाद तो एचसीएफ एलसीएम का पूरा खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, चुटकियों में निकाल लेंगे, उसको अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी नेक्स्ट एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, मेरे साथ साथ करते चलिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। 48 और 72 का निकालना है, तो भैया पहले तो वही अपने डिवीजन मेथड कर लेते हैं। तो 48 और 72 ठीक है, 2 से डिवाइड कर दिया 24 बचा, ये बचा 36, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बचा 12 और ये बचा 18, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया तो ये बचेगा यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9, अगेन 2 से डिवाइड कर दिया तो 6 तो जा रहा है तो 3, 9 नहीं जा रहा तो एज इट इज रहने दिया, 3 से डिवाइड कर दिया तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 और 3, अगेन 3 से डिवाइड कर दोगे तो 1 और 1 बचेगा, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे यानी 2 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर कर देंगे, आंसर आपका 144 आ जाएगा, बिकॉज़ ये आ जाएगा 2 2 4 2 8 2 16, 16 मल्टीप्लाइड बाय ये आ जाएगा 3 स्क्वायर यानी 9, 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 आप करोगे तो 144 आता है, बिकॉज़ 16 मल्टीप्लाइड बाय 9 को आप लिख सकते हैं 10 माइनस 1 यानी सॉरी, तो कुल मिला के आप मल्टीप्लाई कर लेना 144 आंसर आ जाएगा ना, 160 माइनस 16 जो है वो 144 आता है, 144 जो है वो एलसीएम निकल करके आ रही है ठीक है। अगला मेथड क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है 48 और 72 का एलसीएम, तो 48 को आप फैक्टर्स में ब्रेक कीजिए, 12 × 4 है लेकिन हमको तो प्राइम फैक्टर चाहिए ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 12 को लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हो 4 × 3 लिख दो और अगेन 4 लिख दो ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 2 की पावर 4 × 3 ठीक है। अब 72 को ब्रेक करना है, 72 को आप कैसे लिख सकते हैं, 72 को आप लिख दीजिए अभी 36 मल्टीप्लाइड बाय 2, 36 को आप लिख सकते हैं 6 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2, 6 का मतलब होता है 3 × 2 तो इसको आप लिख सकते हैं 3² × 2² मल्टीप्लाइड बाय 2 है ना, तो 72 जो बन गया वो बन गया यहाँ पे 3² × 2³ बन गया और 48 जो है वो बन गया आपकी 2⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3 ठीक है। अब ये बात आपको क्लियर है, तो यहाँ पर अब क्या करना है, 48 और 72 का एलसीएम देखना है ठीक है। तो 2 और 3 दो टर्म्स आ रहे हैं, 2 पे हाईएस्ट पावर क्या है 4 है, 3 पे हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, मल्टीप्लाई कर दो, देखिए वही आया था 2⁴ मल्टीप्लाइड बाय 3⁴, 144 जो है वो एलसीएम निकल करके आ गया देखिए दोस्तों ठीक है। क्लियर है ये मेथड, आप अपनी शॉर्ट ट्रिक भी लगा सकते हो, 48 और 72 को देख लीजिए है ना। अब हाईएस्ट नंबर को रेफरेंस नंबर चूज करते हैं, 48 की टेबल में 72 नहीं आता तो 72 का नियरेस्ट मल्टीपल क्या है 144 है, उसको देख लीजिए है ना। अब 144 जो है वो 48 की टेबल में आता है तो 144 जो है वो एलसीएम निकल करके आ गया देखिए डायरेक्टली। अब ये कैसे चेक करें 144 48 की टेबल में आता है, या तो आप डिवाइड करके देख लीजिए, एक और सिंपल तरीका है देखिए, 48 को आप लिख सकते हैं 12 × 4, अब 144 को आप लिखते हो 12 का स्क्वायर यानी 144 जो है वो 12 से भी डिवाइड हो रहा है। 4 की डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, आखिरी के दो नंबर्स अगर 4 से डिविजिबल हो रहे हैं तो पूरा टर्म जो है वो 4 से डिविजिबल हो जाता है, तो 4 की डिविजिबिलिटी रूल भी हमको पता है ना, तो 144 जो है वो 12 और 4 दोनों से डिविजिबल है तो उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल होगा, ये रूल याद रख लीजिए। तो अगर मल्टीप्लीकेशन के जो नंबर है उनसे कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा, तो यानी 144 जो है वो 48 से भी डिवाइड हो जाएगा ठीक है। क्लियर है, और कोई दिक्कत आ रही है, एक और मेथड मैं आपको बता देता हूँ जो रेफरेंस चेंज करने वाली मेथड है, आपको क्लियर दिख रहा है ये तीनों नंबर जो है दोनों नंबर 24 की टेबल में आते हैं, तो 48 को जब 24 से डिवाइड करोगे 2 बचेगा और 48 को जब 72 से डिवाइड सॉरी 24 से 72 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा। अब 2 और 3 जो है वो है प्राइम नंबर्स, और प्राइम नंबर्स की एलसीएम जो है वो उनकी मल्टीप्लाई होती है तो एलसीएम जो है वो 6 आ गई, ये हमारे फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमको ओरिजिनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाना पड़ेगा, तो यहाँ 24 से डिवाइड किया तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना, तो 24 में जब आप 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन 144 निकल करके आने वाला है। कैसे करना है देखो, सिंपल तरीका इसका भी है, तो जब भी 5 के नियरेस्ट नंबर आए ना तो उसकी 5 की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं ठीक है। अब 24 में आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 24 का आधा कर दो 12, आगे 0 लगा दो तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 24 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो 24 बचेगा, 144 जो है वो आंसर निकल करके आ गया। देखिए मल्टीप्लाई का भी एक मेथड मैंने आपको बता दिया, तो मेरे ख्याल से भैया पर्याप्त है, काफी कुछ आप समझ चुके हैं। अभी कोप्राइम वाला मेथड भी आने वाला है, उसको भी अगली वीडियो में दिखाऊंगा, बहुत सारी प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने वाले, बहुत मजा आने वाला दोस्तों। मेरे पिटारे में ऐसी ऐसी चीजें हैं ना अभी, तो बस यही बोलूंगा दोस्तों, हल्के में मत लीजिएगा मुझे, और चलिए ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। ये देखेंगे हम बड़े बड़े टर्म्स का जो है एलसीएम वो डिवीजन मेथड और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकाल सकते हैं,
वो भी देखेंगे। क्विज सॉल्व करते रहिएगा दोस्तों, आंसर्स को कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, फीडबैक कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन बताइए, लाइक कीजिए दोस्तों में, शेयर कीजिए। और अगेन मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, गर्लफ्रेंड से प्यार करो ना करो, एप्टीट्यूड से कर लीजिए। गर्लफ्रेंड धोखा दे सकती है लेकिन एप्टीट्यूड कभी नहीं देगा। धन्यवाद, सी यू सून।